हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं नवरात्रि व्रत के लिए आलू लच्छा नमकीन बनाने की रेसिपी लाई हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आलू लच्छा नमकीन बनाकर तैयार करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें इकट्ठा कर लिया है, जैसे कि मैंने 6 आलू लिया है। ये 2 तरह के आलू है, 3-3 करके मैंने दोनों आलू ले लिया है और छील कर मैं देख लूंगी, यानी कि पील करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सा आलू अच्छा है। जो अच्छा होगा, जो व्हाइट होगा, उसी आलू का मैं लच्छा नमकीन बनाऊंगी। तो इस बात आप भी ध्यान रखें कि आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमें बढ़िया आलू चाहिए, जो देखने में सुंदर भी हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो, जिसकी सब्जी स्वादिष्ट बनती हो। इसके साथ थोड़े से मैंने यानी कि 15-20 काजू, 15-20 बादाम ले लिया है, जो लगभग आधा कप होगा, और आधा कप मैंने मखाने ले लिया है और आधा कप मूंगफली ले लिया। मूंगफली को अगर वजन किया जाए तो 100 ग्राम हो सकता है। तो इन सभी चीजों के साथ हमें कुछ और चीजें भी इस्तेमाल करना है, बट सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को साइड कर देती हूँ और सबसे पहले हमें आलू छीलकर तैयार करना है। मैंने 2 तरह का आलू लिया है, जो 3 आलू है लाल रंग का और 3 आलू है सफेद रंग का। लाल आलू से अगर हम आलू लच्छा नमकीन बनाते हैं तो यह क्रिस्पी ज्यादा होगा और स्वादिष्ट भी ज्यादा होगा, बट व्हाइट वाला जो आलू है ये भी अच्छी क्वालिटी की है, ये भी अच्छा होता है और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, यानी बिल्कुल साफ नमकीन बनेगा। तो मैंने व्हाइट आलू को अभी साइड कर दिया है, पहले मैं लाल आलू को छीलकर देख लेती हूँ कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं इसी से बनाऊंगी। आलू छीलने के बाद मुझे पता चला है कि इसके अंदर काला है, यानी कि आलू का कुछ पोर्शन ब्लैक हो रखा है, तो मुझे लगता है कि अंदर से ये खराब है, तो इसे मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं व्हाइट आलू को ही इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए अब मैं व्हाइट आलू छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद मैंने सारे कचरे हटा दिया है और सबसे पहले हम आलू को धोकर तैयार करेंगे। धोने के बाद ही हम इसे ग्रेट करना शुरू करेंगे। इसको ग्रेट करने के लिए हमें ग्रेटर चाहिए, तो मैं ढूंढ रही हूँ एक मोटे साइज का ग्रेटर जिसमें मोटा लच्छा निकले। मोटा लच्छा निकलेगा तो तलने में भी आसान होता है, वो जलता भी कम है और टूटता भी नहीं है। तो मेरे पास एक मोटे साइज का ग्रेटर है जिसे मैं व्हाइट पेठा को ग्रेट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई मोटा चीज मुझे तैयार करना है तो वो भी मैं इसी में ग्रेट करती हूँ, बट मेरे पास दूसरा ग्रेटर भी है। अगर मैं उससे ग्रेट करती हूँ तो इसका आलू का लच्छा बहुत पतला निकलता है और तलते समय वो खराब भी हो जाता है, तो इसीलिए आपको मोटे छेद वाले यानी मोटे होल वाले ग्रेटर चाहिए। बट इस ग्रेटर में ग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके होल बड़े बड़े हैं और ये शार्प भी बहुत है, जिससे उंगलियां कटने का या उंगलियां छिलने का भी डर होता है। तो अगर आप इस तरह का ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। थोड़े से आलू रह गए हैं, जो छोटा छोटा है इसको मैंने छोड़ दिया। अगर मैं इसे भी ग्रेट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी उंगली भी ग्रेट हो सकती है, तो इस तरह से हम इसे साइड कर देंगे, इसे हम किसी सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ग्रेट करने के बाद सारे ग्रेटेड आलू को पानी में डालना है और इसे वॉश करना है। इसे 3-4 बार पानी से वॉश करेंगे, तब तक वॉश करेंगे जब तक इसमें से व्हाइट पानी निकलता है। जब पानी बिल्कुल साफ निकलना बंद हो जाए तब हम इसे वॉश करना भी बंद कर देंगे, यानी कि हमें इसके अंदर से सारे स्टार्च को निकाल देना है। और इसके बाद हम इस तरह से एक छन्नी में रख लेंगे ताकि इसका पानी सारा निखर जाएगा और इसमें यह आलू छन जाएगा। धोने और छानने के बाद मैंने इसे थोड़े देर के लिए साइड कर दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए।
लगभग आधा घंटा मैंने इसे छोड़ दिया है और इसका पानी लगभग निखर ही चुका है। तो अब मैं इसे एक टावल लेती हूँ और टावल पर आलू को बिछा देती हूँ। बिछाने से इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है टावल खींच लेगा, जैसे कि मैंने बिछाया हुआ है, बट मेरा टावल कलर है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि व्हाइट टावल पर ही बिछाए। मेरे पास 3-4 व्हाइट टावल है, हैंकी वगैरह भी है, लेकिन मैंने इसे ढूंढने में 1 घंटा का टाइम बर्बाद किया और मुझे वो हैंकी नहीं मिला, वो टावल नहीं मिला। इसलिए मैं मजबूरन इस नीले रंग के टावल पर बिछा रही हूँ और इसको इसी से रब कर रही हूँ। बट मैं देख रही हूँ कि इससे रब करने से आलू में हल्का सा इसका कलर आ गया है, तो इसीलिए हमें व्हाइट टावल पर ही करना होता है। लगभग 2-3 मिनट इसे रब करेंगे। रब इस तरह से करना है ताकि इसका नमी टावल सोख ले। आपको मसलना नहीं है, ज्यादा दबा कर रब करेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। आपको बिल्कुल हल्का स्मूथली हाथ इस पर फेरना है ताकि टावल मॉइस्चर को सोख ले। जब टावल मॉइस्चर को सोख ले, इसके बाद आपको एक थाली में टिश्यू पेपर बिछा देना है और इसके ऊपर हम सारे लच्छे को फैलाएंगे ताकि जो भी बचा हुआ मॉइस्चर टिश्यू पेपर सोख लेगा। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए लगभग 300 ml रिफाइंड तेल या सरसों तेल, कोई सा भी तेल आप गरम कर सकते हैं। देसी घी में भी बना सकते हैं और ऑलिव तेल में भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 300 ml करीब रिफाइंड तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और इसको तलने के लिए हमें हाई हीट चाहिए, यानी कि फुल फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे और फुल फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आलू कच्चा भी है और इसमें पानी भी है, यानी कि पानी की मॉइस्चर भी है, तो इसीलिए हाई हीट में इसे हमें फ्राई करना है। तेल जब गरम हो जाए, आपको लगे कि गरम हो चुका है, तो 2-4 दाना आप इसमें डालकर देख लीजिए और अच्छी तरह से अगर तल जाता है तो बचे हुए भी आप डालें। बट ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, लगभग हम इसे 3-4 पार्ट में डिवाइड करके फ्राई करेंगे। मैंने एक टाइम में 1/4 डाल दिया है और इसे फटाफट फ्लिप करते रहना है, मिक्स करते रहना है, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से तल सके। और लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है तब यह तल जाता है। और तलने के बाद आपको यह हल्का सा कलर इसका चेंज होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि हल्का सा ब्राउनिश गोल्डन कलर जब आपको नजर आए तब आपको फटाफट निकाल लेना है, क्योंकि अगर कुछ देर तेल में रह जाएगा तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, तो इसलिए आपको जल्दी से इसे निकाल लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह से डालेंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे। दोबारा से मैंने इसमें डाल दिया है और फ्राई करना शुरू कर दिया है। लगातार मैं इसे फ्लिप करती आ रही हूँ और थोड़े से लगभग 1-1.5 मिनट का टाइम लगे। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है तो तलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। सारे आलू लच्छे तलकर तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं किस तरह से गोल्डन कलर है, लाइट कलर है। इसी कलर में आपको निकालना है और जब सारे आलू लच्छे तल जाए, इसके बाद हमें मूंगफली को तलना है। तो मैंने मूंगफली भी डाल दिया है, डालकर हम इसे मिक्स करते रहेंगे और लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। बट यहाँ हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, धीमी आंच पर इसे तलेंगे ताकि यह अंदर तक तल सके। लगभग 30 सेकंड जब इसे आप फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे मूंगफली का दाना चटक चुका है और इसका अंदर से भी कलर हल्का सा ब्राउनिश होने लगा है, तब आपको इसे निकाल लेना है। तो मूंगफली निकालने के बाद हम काजू बादाम भी डाल देंगे और इसे भी इसी तरह से हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, डार्क होने लगेगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काजू बादाम फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल रही हूँ।
और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मखाने। ध्यान रखें कि मखाने को हमें हाई फ्लेम पर तलना है। अगर आप लो फ्लेम पर तलेंगे तो सारे तेल घी को मखाने अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर सोख लेता है। तो तेल जितना गर्म रहेगा उतना ही कम सोखेगा। मखाने भी तल चुका है, फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और एंड में मुझे 3-4 कड़ी पत्ते भी फ्राई करना है, क्योंकि मैं इस नमकीन में कड़ी पत्ते भी डाल रही हूँ। न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है, फ्लेवर के लिए भी अच्छा है। तो व्रत में भी अगर आप इन पत्तों को खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं, साथ ही आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। तो सभी चीजें तल कर तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने में ज्यादा मसाले हमें कुछ नहीं डालना है, बस अभी जो हमने फ्राई किया है वो सभी चीजें इसमें डाल देंगे। और ऊपर से हम डालेंगे सेंधा नमक, यानी जो व्रत में खाने वाला नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। और 1/4 हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, यानी कि काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने कड़ी पत्ते भी डाल दिया है। अगर आपको पसंद नहीं है या आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ। तलने में जो टाइम लगता है वही है, मिक्स करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 20 सेकंड के अंदर यह मिक्स होकर तैयार हो चुका है। और यह नमकीन जब आप खाएंगे तो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि बाजार के सारे नमकीन भूल जाएंगे। इस नमकीन को न केवल आप व्रत में ही बना सकते हैं, खा सकते हैं, बल्कि आप बिना व्रत के भी कभी बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। जब भी गेस्ट आए या खुद भी चाय के साथ खाना हो तो आप इसे खा सकते हैं। तो अगर बाजार के नमकीन खाने से अच्छा है कि अपने घर में ही तैयार करके खाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरह से आलू लच्छा नमकीन तैयार करें। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।